दोस्तों, अगर आप भी गौतम गंभीर, केएल राहुल और कुणाल पांड्या को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लखनऊ के एक बार फिर से चैंपियन बनने के सपने को टूटता हुआ देख रो पड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हार के बाद निराश होकर लगा डाली गौतम गंभीर की क्लास। जी हां दोस्तों, लखनऊ की टीम को मुंबई के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में हार के बाद लखनऊ की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा निराश दिखाई दिए और उन्होंने निराश होते हुए गुस्से में आग बबूला होकर गौतम गंभीर के साथ पूरी लखनऊ की टीम की क्लास लगाई और एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार हार के बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, लखनऊ की हार के जिम्मेदार कौन है, गौतम गंभीर, केएल राहुल, दीपक हुड्डा या फिर कुणाल पांड्या? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, मुंबई और लखनऊ के बीच हुए एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 81 रनों से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही मुंबई ने दूसरे क्वालिफायर में जगह बना ली है। अब शुक्रवार को मुंबई का सामना गुजरात से होगा। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 182 रन बनाए थे। इसके जवाब में लखनऊ की टीम 16.3 ओवर में सिर्फ 101 रन पर ही सिमट गई। इस मैच में मुंबई के लिए बल्ले से सभी खिलाड़ियों ने योगदान दिया। सबसे ज्यादा 41 रन ग्रीन ने बनाए। वहीं लखनऊ के लिए नवीन उलहक ने 4 और यश ठाकुर ने 3 विकेट लिए। दूसरी पारी में लखनऊ के लिए सबसे ज्यादा 40 रन मार्कस स्टोइनिस ने बनाए। मुंबई के आकाश मधवाल ने 5 विकेट लिए। इस मैच में हार के साथ लखनऊ का प्लेऑफ में पहली जीत हासिल करने का सपना टूट गया। ये टीम पिछले साल भी एलिमिनेटर मैच खेली थी और हार गई थी। ऐसे में एक बार फिर से मिली हार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा निराश हुए और उन्होंने गौतम गंभीर की क्लास लगाते हुए सनसनी मचा देने वाला बयान जारी कर दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान देते हुए कहा है कि लखनऊ की हार से मैं काफी ज्यादा निराश हूँ। मुझे नहीं लगता कि लखनऊ की टीम को मुकाबले में हार मिलनी चाहिए थी, क्योंकि लखनऊ की टीम की गेंदबाजी इतनी ज्यादा बेहतर हुई थी कि मुंबई की टीम ने अपनी हार की किताब खुद लिख दी थी। लेकिन लखनऊ की टीम ने अपने बल्लेबाजी में काफी ज्यादा दिक्कतें दिखाते हुए इस मुकाबले को अपने हाथों से गवा दिया। इस मुकाबले में लखनऊ की टीम को जीत मिलनी चाहिए थी, लेकिन लखनऊ की टीम ने इस मुकाबले में हार का सामना कर गेंदबाजों के अलावा किसी का भी बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। तो इस मुकाबले में हार का सबसे बड़ा पॉइंट साबित हुआ है, इस मुकाबले में हार के जिम्मेदार गौतम गंभीर हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि टीम मैनेजमेंट में आपका रोल बेहतर टीम तैयार करना है। इसमें आपने गलत टीम बनाई और कुछ ऐसे खिलाड़ियों की एंट्री कराई जिसमें कुछ खास प्रदर्शन पूरे आईपीएल में देखने का जिनका नहीं मिला है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले में आपको इनका बदलाव करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। हालांकि कुछ खिलाड़ियों को आप बाहर कर सकते थे, लेकिन आपने उन खिलाड़ियों को बाहर नहीं किया और उनका इस महत्वपूर्ण मुकाबले में बेहतर रोल जिनका हो सकता था उनको बाहर कर दिया। ऐसे में मेरे अनुसार हार के जिम्मेदार टीम मैनेजमेंट में मौजूद गौतम गंभीर रहे हैं, जिन्होंने खराब टीम बनाई, लेकिन अब हमें बेहतर प्रदर्शन कर टीम को दोबारा से मजबूत बनाना है और अगले साल जीतना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, लखनऊ की टीम अगले साल वापसी करते हुए प्लेऑफ में एक बार फिर से पहुंचेगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।